ये भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया। सत्ययुग और कलयुग किनको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो जानवर बुद्धि ठहरे। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। तो दुनिया में जो पैसे वाले होते हैं उनको पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे ही तुम ये समझ सकते हो कि ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद है। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम तो ईश्वरीय संतान है, ये तो पक्का निश्चय है ना। जानते हो कि आसुरी संप्रदाय अथवा औलाद किसको कहा जाता है? ये बात सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो, परंतु कभी कभी समझते हुए भी भूल जाते हो। तुम ब्राह्मण समझ सकते हो कि हम ब्राह्मण और ईश्वरीय संतान हैं, तो हर समय वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। सत्युग में होते हैं दैवी संप्रदाय, उनको ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। यहां संगम में होते हैं ईश्वरीय संप्रदाय, और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है, क्योंकि अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय बन जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहां सत्युग में होते हैं तो अपन को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते हैं, वहां है दैवीय औलाद। उनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने। हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप की रचना है। तुम सब भाई बहने हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो कि हमको बाबा से राज्य मिल रहा है। कलयुग है दुखधम, तुम संगम युगी ब्राह्मण ये बात जानते हो। कलयुगी घर में, कलयुगी दुनिया में है, एक ही घर में बाप कलयुगी और बच्चा सतयुगी बन रहा है, क्योंकि ईश्वरीय औलाद बना है। यूं तो हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचयिता है, नरक का क्रिएटर तो नहीं है। तो उनको कौन नहीं याद करेंगे? तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कैसे? स्वस्थिति से स्वर्ग की स्थापना,
और नरक की स्थापना कैसे होती है? देहभान नर में होता है, देहभान तो नरक बनाता है। तो स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप स्वस्थिति में सदा रहने वाला है, वो हमारा बहुत मीठा बाप है। हम कोई किस जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं, इससे जास्ती मीठी वस्तु कोई होती नहीं है। तो ये समझ रखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमारे में कोई ऐसा आसुरी नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि समय बाकी थोड़ा है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, भूल नहीं जाना है। ये भी देखते हो कि बाप सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। दैवी औलाद बनने के लिए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा समय हम आसुरी संप्रदाय रहे, बहुत दुख उठाए, विषय सागर में गोता खाया, जहर पिया, जहर पीने से दुख होता है, अमृत पीने से सुख होता है। अभी तुम जानते हो कि हम तो ईश्वरीय औलाद हैं, ईश्वर बाप आया है बच्चों को ले जाने के लिए। बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकल्प विनाश हो जाएंगे। बाबा आया ही है सबको ले जाने के लिए, जितना याद करेंगे उतने विकल्प विनाश होंगे। तो देखो बाप को ऐसे याद करो जैसे कि कन्या की सगाई होती है, तो जैसे याद बिल्कुल कन्या के दिल में छप जाती है। फिर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की याद दिल में छप जाती है। याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा कि हमारा बाप है, परंतु अभी तो ये बेहद का बाप है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। जैसे ज्ञान काल में याद छप जाती है, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बाबा से हम भविष्य की जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। अठारह से छठ की वाणी का दूसरा पेज। बुद्धि में वर्षा याद है, ये भी जानते हो कि मरना तो सबको ही है, एक भी बचने वाला नहीं है। जो जीते जी नहीं मरेंगे तो शरीर से मरना पड़ेगा, सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ये पुरानी दुनिया गई कि गई। परंतु इस दुनिया के जाने के पहले हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि हम ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कि बच्चे अपनी खातिर अपना जीवन तो हीरे जैसा बना लो। वो है डीटी वर्ल्ड और ये है डेविल वर्ल्ड। सत्य को में देखो कितना अथाह सुख रहता है, और वो अथाह सुख बाप ही आकर के देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आते हो, परंतु यहाँ तो नहीं बैठ जावे, और ऐसे भी नहीं कि सब इकट्ठे ही रहेंगे, क्योंकि तुम तो बेहद के बच्चे हो,
वो आसुरी औलाद है, वो 5 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे। निजाम को 500 रानियां थी, फिर बच्चे भी उनको इतने होंगे। यहां तो तुम बहुत थोड़े आते हो और बहुत ही उमंग से आते हो। सोचते हुए हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में जाने की चाहिए। गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो कि हेवनली गॉड फादर हमको वहां ले जाने के लायक बनाए रहे हैं। कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, और एक भी मनुष्य नहीं है जिनको ये पता हो कि हम एक्टर हैं और गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? दुखी है उसे क्या साबित होता है कि हम अभी भी गॉड फादर के बच्चे नहीं बने हैं। आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं तो सब बर्दाश्त हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं, फिर लड़ना झगड़ना क्यों होना चाहिए? इसका मतलब अभी भी देवान आता है, पक्के बच्चे नहीं बने हैं, आत्मा मैली हो गई है ना। लड़ाई का मैदान होता है तो मैले होते हैं, पर देखो एक दो में कैसे लड़ते हैं, है ना। लड़ाई लड़ने वालों के समान कोई खौफनाक होगा क्या? सारे शहर पर बॉम्ब्स फटेंगे और खत्म हो जाएंगे। हम बच्चों में भी अगर कोई आपस में लड़ाई लड़ते हैं, मनमुटाव करते हैं, तो समझना चाहिए हम ईश्वरीय औलाद हैं या आसुरी औलाद हैं। उनको कहा जाता है आसुर, इनको जो आपस में लड़ते हैं, राक्षस कहा जाता है। प्रदर्श होकर आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर ही सारे खत्म हो जाएंगे। यहां तो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ब्रदर्स को आपस में कभी मूत पलीती नहीं बनना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। यहां पर तो देखो बाप से भी लून पानी होते रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। उनके अगर नाम सुनावे तो हैरान हो जाओ, माया कितनी जबरदस्त है। आपस के मनमटाव में आकर के बाप को कब पत्र भी नहीं लिखते, तो समझता हूं कि क्या हो गया बच्चे को, क्या वो मर गया है?